नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि जो सेलफोन्स हैं हमारे, उससे नेगेटिविटी कैसे पास हो सकती है और वो सुपरनैचुरल एस्पेक्ट के साथ कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं। अब देखो, पहले ही मैं इस वीडियो के पहले ये स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहती हूँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो चीज़ ये है कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो भी सेलफोन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या सेलफोन्स पे जो बात कर रहे हैं तो सबके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इजंट इट? और उस टॉपिक के बारे में बात करते करते हम इस बात को बता रहे हैं कि हम सुपर नेचुरल नेगेटिव एनर्जीज जो फ़ोन के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकती हैं, हम ये टॉपिक को रेज कर रहे हैं आज। ठीक है, तो ये पहले क्लियर होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखो, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, जैसे बहुत से ब्लैक मैजिक विक्टिम्स जो हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, वर्बली हम कोई भी बात नहीं करेंगे, ना उनसे पूछना है हमें वर्बली क्या हुआ, ना हमें बताना है। वाई? बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ, फुल मून, नो मून, जो अमावस्या और पूर्णमासी की रात होती है, दिन होते हैं, उसमें सब कुछ सुन लिया जाता है, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो रहा है। अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। साइंस को मैं इतना नहीं बहुत ज़्यादा वेटेज देती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। वाई? बिकॉज साइंस अभी तिनके भर भी नहीं पहुँची है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख के वेदों में छोड़ दिया है। ओके, अभी वो मतलब बहुत उसके माइन्यूट उस तक पहुँची है और प्रूफ करने में ही लगी है, समझने में ही लगी है। अभी समझ, जब उनको सडनली कोई होता है हाँ अच्छा ऐसा है, वो हमारे सनातन में ऑलरेडी लिख के चले गए हैं। तो अभी तो इनको बहुत जन्म लगेंगे और बहुत एराज लगेंगे, और फिर भी यूनिवर्स के बारे में पता करना इम्पॉसिबल है। ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में सब कुछ पता करना या प्रूफ करना इम्पॉसिबल है, तभी उनको शक्तियाँ बोला जाता है। ह्यूमन ब्रेन एक लेवल तक जा सकता है, और ह्यूमन ब्रेन के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी डिवाइन चीज़ें हैं हमारी स्पिरिचुअल सनातन में जो ऑलरेडी मैंशन है। साइंस अभी उसके बहुत, मतलब जैसे मैंने कहा ना, तिनका भर भी नहीं पहुंचा है, और इसीलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी को ऐसे कंबाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी उनको जाननी बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें प्रूफ करनी बाकी है। इसका मतलब ये नहीं वो चीज़ें नहीं हैं या वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो दो चीज़ को मिक्स ना करें, ठीक है? दुनिया में हर चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकते, कुछ चीज़ें बियॉन्ड प्रूफ भी होती हैं लाइफ में, राइट? एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट लॉजिकल। ऑफकोर्स हमारा सनातन सिस्टम बहुत लॉजिकल है, लेकिन उसको समझने के लिए भी जो समझ चाहिए वो अभी नहीं है कम्प्लीटली। ओके, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो फोन्स के बारे में बात करी थी। देखो, कई बार ऐसे तुमने देखा होगा कि जब, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना, कि जैसे जब तुम्हें कोई इंसान फ़ोन करता है तो तुम उसे फ़ोन करते करते कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, तुम्हारे सडनली सर में दर्द होने लगेगा, या सडनली तुम्हें नेगेटिव फील होने लगेगा, या ऐसे लगेगा कि हमारी सारी ताकत एनर्जी जो है वो ख़त्म सी हो रही है इस इंसान की आवाज़ सुन के, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना बोल रहा हो फ़ोन पे, कि अच्छा कैसे हो, घर पे सब कुछ ठीक है। रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड हो गए, कुलीग्स हो गए, कोई भी हो सकते हैं, जानने वाले हो गए, कि जब उनका फ़ोन आता है, उस पर्टिकुलर इंसान का फ़ोन आता है, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाता है, यू नो, एंड इवन इरिटेशन शुरू हो जाती है, अनइजीनेस शुरू हो जाती है, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि अभी तो मैं ठीक था, मुझे ऐसा क्या हो गया फॉर दैट मैटर। तो ये क्या हो रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा, वो इंसान तुम्हारा वेलविशर है, वो तुम्हारे बारे में अच्छा पूछा कि घर पे सब हैं, उसको फिक्र है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो इंसान वर्बली बोल रहा है वही वो अंदर से सोच भी रहा है, वही सोच भी वो तुम्हारे लिए रख रहा है। क्या पता वो इंसान इतना जेलस है, इतना तुम्हें अंदर से दुश्मन मानता है, तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी चल नहीं पा रही तुम्हारे सामने, और तुम कैसे हो कैसे नहीं हो मन में सोच रहा है कि अरे पूछता हूँ या पूछती हूँ कि ये कैसे हैं, और शायद कुछ बुरी न्यूज़ सुनने को मिल जाए। तो बुरी न्यूज़ सुनने को मिले तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि चलो उसकी लाइफ में कुछ तो बुरा हुआ, हमें कुछ तो सुन के चैन आया। ऐसे लोग हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे लोग हैं, और ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं कलयुग में। ओके, तो वो उस चीज़ को, बुरी चीज़ सुनने के लिए फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो जाए, लेकिन अगर तुम बोलोगे हाँ सब ठीक है, काम भी सही चल रहा है, रिलेशनशिप भी सही चल रही है, तो बोले अच्छा बहुत अच्छा लगा ये सुन के, हम तो बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, वी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड ऑल दैट। ओके, लेकिन मन ही मन चिढ़ रहे होंगे, जल रहे होंगे, कोस रहे होंगे तुम्हें, कर्स कर रहे होंगे तुम्हें कि क्यों है ये इतना खुश,
क्यों इसके लाइफ में इतना बेटरमेंट है. तो वो जो फ्रीक्वेंसी और वो जो ऑरा है ना, वो ट्रांसफ़र हो रहा है जब तुम बात कर रहे हो फोन्स पे एक दूसरे के साथ. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही सेलफोन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं. हम यहाँ साउंड वेव की बात कर रहे हैं, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, राइट. अब अगर वो इंसान सच में जेन्युइनली तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है, तो कई बार किसी का फ़ोन आता भी है तो तुम्हारा मूड ख़राब भी होगा, लेकिन उससे बात करते करते फ़ोन पे या इवन उससे बात ख़त्म करने के बाद तुम्हारा मूड एकदम चेंज हो जाएगा. तुम्हारी एनर्जी जो लो थी, डिप्रेस थी, या उतनी यू नो यू आर नॉट दैट मच हैप्पी, तो वो सडनली ट्रांसफॉर्म होके पॉजिटिव उसमें चली जाएगी. तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज और ऐसी वाइब्रेशंस भी हैं. व्हाई? क्योंकि वो जेन्युइनली इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, वो जेन्युइनली इंसान जो है तुम्हारा अच्छा चाह रहा है, मन में भी चाह रहा है, नीयत भी उसकी अच्छी है तुम्हारी तरफ, और वो मुख से भी अच्छा बोल रहा है. ऐसा नहीं है कि नीयत काली और जबान जो है बहुत साफ दिखानी, नहीं. वो फिर जब तक मैच नहीं करता ना उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, फिर वो तुम पे जो ट्रांसफ़र हो रही है तुमसे फ़ोन पे बात करके, तब तक वो सच्चाई, वो ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी, तब तक तुम्हारे पास वो पॉजिटिविटी नहीं पहुंचेगी. ओके? तो यही मैंने कहा. लेकिन क्योंकि अभी हम सुपरनेचुरल चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो ख़राब लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, कई बार तुम्हें वो जानबूझ के फ़ोन करेंगे अगर तुम्हारा ब्लैक मैजिक का क्योर हो रहा है या नेगेटिव रिमूवल का क्योर हो रहा है, कि अच्छा लगता है कि इसने अपना कहीं से काम कराना शुरू कर दिया है, तो एक काम करता हूँ इसको फ़ोन करते हैं. वो तांत्रिक, ख़राब तांत्रिक भी बोलेगा फ़ोन करो, कुछ एनर्जी तुम्हारे थ्रू फ़ोन के द्वारा पहुँचानी है. तो फ़ोन एक पोर्टल बन जाता है, एक तरह से समझो एक कनेक्शन बन जाता है, एक जुड़ाव, एक लिंक बन जाता है, जिसके थ्रू आसानी से डायरेक्टली, क्योंकि साउंड वेव आ रही है ना तुम्हारी तरफ, तुम एग्जैक्टली सुन रहे हो, यू नो योर रिएक्टिंग ब्रेन सुन रहा है उस चीज़ को, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है, एनर्जी तुम्हारी पकड़ रहा है, डायरेक्ट आवाज़ है तुम्हारी लाइव, राइट. तो बहुत अफेक्ट कर जाती है वो. सडनली तुम बीमार भी पड़ सकते हो इस तरीके की इंटेंशंस या फ़ोन कॉल से, या कोई मे बी प्रोसेस किया हो सुपरनेचुरल तरीके से, कि जब तुम फ़ोन पे बात करो तो जितने टाइम तुम फ़ोन पे रहोगे और सुनोगे या बात करोगे, वो ट्रांसफ़र होती रहेगी फ्रीक्वेंसी. ऐसे प्रोसेसेस हैं, इसके बारे में तुम गूगल पे जाके पढ़ भी सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो. तो ऐसा अगर कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो सिंपली मतलब है कि फ़ोन के द्वारा उसको पोर्टल बना के, उसको कनेक्शन बना के, उसको एक लिंक बना के तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है. और अगर ऐसा हो रहा है, जो मैंने तुम्हें सिम्टम्स बताए, अनइजीनेस, सर दर्द, अनकंफर्टेबल होना या बीमार पड़ जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, बहुत नेगेटिव फील करना, तो तुम अपनी इसको कंफर्म करने के लिए कि है कि नहीं है, केस स्टडी करा सकते हो. जो पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, उसमें तुम्हें सब पता चलेगा कि ये क्या एग्जैक्टली है जो हो रहा है. ओके? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको स्टॉप करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि तुम ये बात अभी शायद नहीं समझ पा रहे हो कि थ्रू द सेल फोन्स या डायरेक्ट जब किसी की आवाज़ सुनी जाती है, तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें नेगेटिव तरीके से ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, इसके बारे में पढ़ लेना. मैंने अभी बहुत ही टू द पॉइंट ये वीडियो बनाया है. सेल फोन्स पोर्टल हैं नेगेटिव एनर्जी के, और जैसे मैंने कहा, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के नहीं, पॉजिटिव उसके भी हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दोनों चीज़ों के दिए. लेकिन क्योंकि हमारा फोकस, जैसे मैंने पहले भी कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, कि सुपरनेचुरल नेगेटिव एनर्जी की तरफ है, तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है. ओके? आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनके काम आएगी और उनको मदद भी करेगी, चाहे हमारे पास आए चाहे कहीं और जाए, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो पाएँ. सही बात सिर्फ इतनी है, ठीक है. बस इस वीडियो में इतना ही. बहुत जल्दी एक नया वीडियो में लेके आऊँगी. तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली.